जी जिवें कि तुहानूं पता है कि साउथ कोरिया दे रिगार्डिंग आपां पिछली बार बहुत वीडियो पाईआं सी, बट कुछ दे रिजल्ट नहीं आए, बहुत ही घट रिजल्ट आए ने। बट मैं तुहानूं इस वीडियो विच बिल्कुल क्लीयर ते सच्चाई दसना चाहुंना। जे तुसीं साउथ कोरिया दा स्टडी वीजा अप्लाई करना चाहुंदे, क्योंकि इस वीडियो में तुम ध्यान नाल देखो, मैं एक सोनू बिल्कुल साफ सुथरी ते क्लीयर इनफॉरमेशन देऊंगा। इस दे विच कोई भी कोई झूठ नहीं होगा कि जी तुसी अप्लाई कर लो वीजा आवे ना आवे, इस चीज का कोई सिस्टम नहीं होगा। सो यह गल बिल्कुल एक सच्चाई नाल वीडियो बना रहे हैं, कोई यह नहीं कि इनफॉरमेशन दे दो ते चलो जी झूठ मार के मुड़ के क्लाइंट आ जाए, वह चीज का सानू कोई भी किसी तरह का कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। सो जदों कि तुहानूं पता है कि आपां साउथ कोरिया दे रिगार्डिंग वीडियो बना रहे हैं, हुण साउथ कोरिया दे विच की रिक्वायरमेंट है, की प्रोफाइल चाहीदी है, किवें तुसीं अप्लाई कर सकते हो, सब तो पहलां तां इह गल दा ध्यान रखो कि साउथ कोरिया दे विच स्टडी करन दे लई इक तां लैंग्वेज कोर्स हुंदा, इक बैचलर हुंदी है, एक मास्टर हुंदी है। हुण सारिआं दा उत्थे जाके एम है जां सारिआं दा उह है कि मैं उत्थे जाके वर्क परमिट करवाउणा जां जीवन कार्ड लैणा। सो इह चीज़ां दे विच जे तुसीं पहलां ही अपने माइंड दे विच इह चीज़ां लै के चल रहे हो, सो इह चीज़ कदे भी सक्सैसफुल नहीं होगी। दैन तुसीं साउथ कोरिया दा वीज़ा ना ही अप्लाई करो तां बैटर। सो जे तुसीं अप्लाई करना चाहुंदे हो तुहानूं की करना चाहीदा है, सब तो पहला देखो तुसी सारे की करो, लैंग्वेज कोर्स दे विच अप्लाई करो, किहड़े कॉलेज विच अप्लाई कर सकते हैं, किहड़ी यूनिवर्सिटी च अप्लाई कर सकते हैं। हुण इह प्रोफाइल नूं मैं तुहानूं कहां कि देख के दसूंगा, बस एक चीज़ का ध्यान रखियो कि जे तुहाडी लास्ट स्टडी इंग्लिश मीडियम दे विच हैगी है, दैन तुसी अपने यूनिवर्सिटी चो जां स्कूल चो MOI लैटर लै लो, जे तुसी आईलैट्स नहीं कीती हुई। जे तुसीं आईलैट्स PT कीती हुई है दैन तुहानूं MOI दी लैटर दी लोड नहीं। फिर तुसीं जिहड़े कॉलेज दा इस टाइम सक्सैस रेट है उस कॉलेज दे विच अप्लाई करो। हुण मैनूं सब तो पहलां कॉल आऊगी जां रिवर्ट आऊगा कि तुसीं मैनूं दसो कि किहड़े कॉलेज दा सक्सैस रेट है, जां तुसीं मैनूं दसो कि किधर अप्लाई हो जाऊगा। देखो मैनूं दसण दे विच कोई प्रॉब्लम नहीं, बट दिक्कत इह है कि हर एक प्रोफाइल नूं देखणा पैंदा। हुण जिवें कि चाहे तुहाडे परसेंटेज तुहाडे भी 60 है, इस स्टूडेंट दे भी 60 है, हुण कईआं ने स्टडी कीती हुई आर्ट्स दे विच, कईआं ने कीती है मैडिकल दे विच, नॉन मैडिकल दे विच जां कमर्स दे विच, उस दे रिलेटड ही आपां नूं चैक करना पैंदा कि किहड़े विच की अप्लाई कर सकदे आ किवें नहीं। सो साउथ कोरिया दे विच सब तों पहलां जे तुसीं अप्लाई करोगे डाकूमेंट चाहिए नेगे 10वीं तों लैके लास्ट एजुकेशन तक, उस तो बाद चाहिए पासपोर्ट, उस तो बाद ध्यान रहे कि बैंक की स्टेटमेंट चाहिए है, घट्टो घट 7 लाख रुपया बैलेंस अकाउंट के होना जरूरी है, वो थोड़े अकाउंट के होवे, थोड़े पेरेंट्स के अकाउंट के नहीं चलूगा। मैं हाँ दोबारा कह रहा है यह ऑफर लैटर तो अप्लाई करने तो पहला चाहिए है। सो ये पेमेंट ऑफर लैटर दे अप्लाई करने तो पहला पेमेंट चाहिए है, उस तो बाद अपना ऑफर लैटर अप्लाई होगा, एक छोटी जी इंटरव्यू होंगी है, मतलब कि 1 मिनट की वीडियो आप बना के सेंड करनी पैंदी, अपलोड करनी पैंदी, जिस दे विच दसदे हैं कि माई नेम इज फलाना, इंट्रोडक्शन होंगी है उस दे विच। उस तो बाद साउथ कोरिया मतलब कि जिस नूं सिलेक्ट करते हैं दैन आप एप्लीकेशन फीस वगैरह पे करते हैं, जां कईआं विच पहलां होंगी है, सो वह आप देख के चलांगे। बट मैं सानूं यह गल क्लीयर कहना कि सानू कोई पैसे कमाउण दा जां कोई केस रजिस्टर करन दा कोई लालच नहीं, असी तुहानूं 101% है कि तुहानूं असी रिजल्ट लैके देवांगे। हुण रिजल्ट लैण दा मतलब देखो यह नहीं कि मैं तुहानूं कहता जी मैं थोड़ा केस रजिस्टर कर लिया कि मैं तुहानूं वीजा लैके देना है। सो इस कंट्री दे विच सब तो पहलां चैक करना पैंदा, तुहानूं पता है कि किहड़ी दी की प्रोफाइल है, कित्थे अप्लाई कर सकते हैं, उस तो बाद डाकूमेंट पोस्टर पहलां करवाउणे पैंदे है। सो यह गल है कि यकीन नाल चलो, क्योंकि पिछली बार चाहे मैं अप्लाई किया चाहे तुसीं अप्लाई किया, पिछली बार इन्होंने रिजल्ट चंगे नहीं दिते, बट इस टाइम साउथ कोरिया का चंगा रिजल्ट आ रहा है,
ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀਜ਼ੇ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਲਾਤਵੀਆ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਵੀਜ਼ਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨੌਲੇਜ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨੌਲੇਜ ਨੂੰ ਆਓ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਖੜੋ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਐਂ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਫਲਾਨਾ ਵੀਜ਼ੇ ਦੇਖ ਕੇ ਆਓ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ, ਸਾਊਥ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਜਿੰਨਾ ਕਲਾਇੰਟਾਂ ਦੀ ਸਾਊਥ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੰਟਰੀ ਹੈ ਤਾਇਵਾਨ, ਉਹ ਤਾਇਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ। ਤਾਇਵਾਨ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਬੜੇ ਕਲਾਇੰਟਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਕਿ ਤਾਇਵਾਨ ਇੱਕ ਕੰਟਰੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਗਏ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸੱਚਾਈ ਨਾਲ ਚੱਲੂੰਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਝੂਠ ਮਾਰ ਕੇ ਨਾ ਭੇਜਾਂ ਨਾ ਮੈਂ ਕਰਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਮਾਈ ਉੱਥੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਪਰ ਤਾਇਵਾਨ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾੜੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਹੈ, ਚੰਗੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਊਥ ਕੋਰੀਆ ਹੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਕੰਸਰਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਚੰਗਾ ਸਕਸੈਸ ਰੇਟ ਹੈ। ਮੈਂ 5-6 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਾਲਜਾਂ 'ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰੂੰਗਾ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਇਹਦੀ ਫੀਸ ਲੈਂਗੁਏਜ ਕੋਰਸ ਦੀ ਆਊਗੀ 2-2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ, 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਇਹ ਫੀਸ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਟੈਪ ਬਾਏ ਸਟੈਪ ਆਪਣਾ ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਚੱਲੂਗਾ, ਸਟੈਪ ਬਾਏ ਸਟੈਪ ਚੱਲੂਗਾ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ।